तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी हो गई है मॉर्निंग और आज मैंने सोचा है कि मैं बैंगन का भरता बनाती हूँ। तो इसके लिए मैं उसको ऊपर से कट कर रही हूँ, फिर करूंगी इसकी ऑयलिंग और बैंगन का भरता मैं बनाने वाली हूँ माइक्रोवेव में। तो इसकी पहले अच्छे से ऑयलिंग कर लेते हैं। तो माइक्रोवेव को माइक्रो मोड पे 5 मिनट के लिए सेट करेंगे पहले। तो बैंगन को मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है, इनको 5 मिनट तक होने देते हैं। तब तक मैं करती हूँ बच्चों का टिफिन पैक। तो आज मैंने सोचा क्या था, चिया ने बोला था कि मुझे चिप्स खानी है, तो मेरे को चिप्स देना टिफिन में। तो उसने मैंने पहले एप्पल कट करे, एप्पल को डाल दिया है। तो उसके बाद में दोनों बच्चों के लिए चिप्स रखी, क्योंकि वो मतलब कल से ही बोल रही थी मुझे चिप्स खाना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तुमको टिफिन में डाल के दे दूंगी चिप्स, तो वहां पे चिप्स खा कर आ जाएंगी। अब ये दोनों टिफिन हो गया है दोनों का रेडी। अब मैं बनाऊंगी बनाना शेक बच्चों के लिए, गौरव के लिए। तो तीनों का यहाँ बनेगा बनाना शेक। उसके बाद में बच्चों को उठाऊंगी, क्योंकि टाइम हो गया है उनको उठाने का। तो जल्दी जल्दी पहले बनाना शेक बना लेते हैं, फिर बच्चों को उठाने के लिए चलेंगे। और मैं आज वो वीडियो में वॉइस ओवर इसीलिए कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में अगर सुबह सुबह में जोर जोर से शूट करती हूँ, बोलती हूँ ना, तो सब लोग उठ जाते हैं मेरी आवाज से। तो इसलिए मैं इनका पहले मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद में पीछे से वॉइस ओवर कर दूंगी। तो इस 5 मिनट के अंदर मैंने टिफिन भी पैक कर लिया है, बनाना शेक भी बन गया है और मेरे बैंगन भी होके रेडी हैं। और मैं इनका ये ऊपर से स्किन उतार देती हूँ, पर इस बॉक्स में मेरा काम नहीं बना। तो फिर मैंने दूसरी प्लेट निकाली और इसके ऊपर से अब मैंने हटाना शुरू करा और ये इजीली पूरा हट रहा था। ये अच्छे से रोस्ट हो गया था, एकदम परफेक्ट हो गया था। इतना अच्छा तो ये गैस पे भी नहीं होता कि कोई साइड से होता है कोई साइड से नहीं होता, तो इसमें परफेक्ट हो गया था। और इसमें करने से गैस भी गंदी नहीं होती है, बहुत ही अच्छे से हो जाता है, टाइम भी बचता है एकदम। उसके ऊपर नजरें भी नहीं रखनी पड़ती है कि हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये एकदम परफेक्ट है। आप भी इसको ट्राई करना माइक्रोवेव के अंदर 5 मिनट में माइक्रो मोड पे इजी वे में हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो आज है 4th of October और अभी का सीन ये है, मैं आ जाई हूँ जिम। आज मैं जिम में वर्कआउट करूँगी, बाहर नहीं करूँगी। और मैंने सोचा है कि थोड़ा दिन मैं जिम में ही वर्कआउट करूँ आज। अब मैं बाहर थोड़ा टाइम के लिए अवॉइड करूँगी, कुछ चेंज करते हैं। और कुछ कुछ काम हो गया है जो आपने देख लिया है क्या क्या हो गया है। सुबह से बहुत जल्दी में रहती हूँ यार, बहुत ज़्यादा जल्दी में रहती हूँ, बहुत जल्दी 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 सब शूट करती हूँ और फिर जल्दी से भाग आती हूँ। तभी चलते हैं सीधा जिम में। और ये देखो मौसम कितना अच्छा वेदर हो रहा है। अभी बारिश यहाँ पे शायद चली गई है, अब नहीं आएगी शायद, क्योंकि अब एकदम क्लीन हो गया है, 3-4 दिन से नहीं आई है, तो अब शायद नहीं आएगी, मानसून चला गया है। ये है, मैं जिम से आ गई हूँ और आते ही मैंने सब्जी बनाना स्टार्ट कर दिया है। सुबह आपने देखा ही था कि मैंने इसको पूरा क्लीन व्लीन करके छोड़ दिया था। उसके बाद में मैं चली गई थी वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको प्रॉपर बनाऊँ। अब मैं नहाऊंगी करूंगी, तब तक मेरी सब्जी रेडी हो जाएगी। और मैंने आज फिर से बना रही हूँ अपने पालक के पराठे। तो मैंने पालक को बॉयल करके और फिर आटा लगा के फिर चली गई थी, पर पराठे में चिया भी रुआएगी तभी बनाऊंगी, गर्म गर्म अभी से बनाऊंगी तो इतना अच्छा नहीं रहता, सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं रहते। तो जब दोनों बच्चे आ जाएंगे तभी तीनों का खाना बनाऊंगी, बस सब्जी अभी बना लूंगी। और आप भी ट्राई करना माइक्रोवेव में, अगर ऐसा बहुत ही मतलब 2 मिनट में हो जाता है, ना कोई गैस गंदी होती है ना कुछ, और 5 मिनट लगते हैं उसमें अपने पूरा क्या कहते हैं बैंगन अच्छे से रोस्ट हो जाता है, अच्छे से पूरा भरते के लिए रेडी हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है गैस गंदी नहीं होती है, नहीं तो ना गैस गंदी जाती है, उसको नजरों के सामने रखो हो गया है नहीं हो गया है, हो गया है नहीं हो गया है, उसमें ये टाइम का लिमिट रहता है कि हाँ इतने टाइम में तो हो ही जाएगा। तो देखो कितना अच्छा हो गया मेरे, ये सारा उस माइक्रोवेव से होके रेडी है। चाय पी के मतलब मैं नहाऊंगी जब तक सब्जी और चाय दोनों रेडी हो जाए, क्योंकि मेरी चाय में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए तो बस अभी सब्जी को चढ़ा के नहाने के लिए। तो यहाँ सब्जी बन गई है। तो फ्रेंड्स, मैं नहा धोकर रेडी हूँ और अब पी रही हूँ चाय। और मैंने लिए अपने लिए 3 बिस्किट, भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से, तो मन हुआ कि चाय बनाती हूँ और कुछ खाती हूँ, तो अब बिस्किट खा रही हूँ। बस अब निकलूँगी, 3 से 4 मिनट ही रहते हैं निकलने में, जल्दी से खा के और फिर चलते हैं। सब्जी रेडी हो गई है, आके खाना बनाएंगे, दोनों बच्चों को लेकर आते हैं। और इतना दिन बाद में जिम में वर्कआउट किया, वेट ट्रेनिंग किया ना, तो इतना ना मतलब थकान सी लग रही, बहुत ही ज़्यादा थकान सी लग रही, पर 3-4 दिन में सब सेट होएगा, पर कंटिन्यूटी रखूँगी, रुकूँगी नहीं, और कोशिश करूँगी। अब मैं चाय नहीं पीऊँ, बीच में मुझे ना चाय की, यहाँ डेली डेली बारिश होती है, मुझे चाय की लत लग गई है,
वैसे मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती थी, अभी ऐसा होता है पी लूँ, पर अभी एक दो दिन में चाय को भी छोड़ दूंगी। ऐसे मैं डेली नहीं पीती थी, जैसे आज मन हो गया, वैसे मेरा कभी मन भी नहीं होता था, तब एक दो दिन में चाय भी छोड़ दूंगी और अपनी डाइटिंग पर ध्यान दूंगी। फ्रेंड्स हम लोग सोकर उठ गए, मैं नहीं सोई, मैंने व्लॉग एडिट किया, अपलोड किया, फिर मैं भैया से बात करने लग गई और मैं दूसरे रूम में जाके बात करती थी क्योंकि ये दोनों सो रहे थे और इन्होंने अभी कुछ किया है तो मुझे बोली आंख बंद करके आओ फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करा है आपने। लड्डू को उठा दिया, भाई को उठा दिया आपने, उठा के कहाँ ले गए? अच्छा एसी भी ऑफ कर दिया, फैन भी ऑफ कर दिया, बहुत अच्छे से आपने सब काम करके बाहर निकले, लाइट भी ऑफ कर दी बची कुची चियाने बची कुची लाइट भी ऑफ कर दी। चलो मैं आइस क्लोज करके चल रही हूँ बाहर, बंद हाँ आऊँ आइस क्लोज करके। चलो चलो भाई आइस क्लोज करके चलते हैं, धीरे 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 आ गई है मम्मा। ओ वाह आपने भाई को उठा के बैठा भी दिया जगह पे, वेरी गुड भैया, हैप्पी आपसे है ना, हैप्पी हैप्पी बैठे है ना, हैप्पी है भाई आपसे, चीकू से भी भाई बहुत हैप्पी है, वाओ। तो दोनों को यहाँ बिठाते हैं, ये अपने पापा बेबी कहाँ है दिखाओ तो, क्या बता रहे हो आप चिया को? ये ले मम्मी पापा बेबी बेबी। किसके मम्मी पापा? जेजे के। कौन से जेजे के, क्या नाम है जेजे का? गणपति बप्पा मोरिया मंगलमूर्ति मोरिया। वेरी गुड। अभी अभी किचन में आई, बोलती अपने पास इतने सारे पप्पा है ना, टीवी में देख रही थी मैंने कहा हाँ। फिर है ना मंदिर खोल लिया, बोले कि यहाँ पे भी पप्पा है, फिर बोली देखो इनके गोदी में बैठे, मैंने कहा इनके मम्मी पापा है, इतनी खुश हो गई ना चिया को बुला गए भाभी जाके, चिया आओ पप्पा की मम्मी पापा भी अपने पास में, आज सच वीरू ने पप्पा के मम्मी पापा भी देख लिए है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ बन रही है मेरी ग्रीन टी, सब्जी बन गई जो उधर चली गई है और आटा इधर रेडी है और ये मॉर्निंग का आटा जो बच गया था उसको भी अभी बनाएंगे। और यहाँ मैंने चिया ब्लू के लिए बनाया आज अनार का जूस, मॉर्निंग से बोल रही थी मुझे अनार का जूस पीना है, अभी फिर शाम को आके बोली तो मैंने कहा रोटी बीच में स्टॉप करी, रोटी बाद में बनाएंगे, पहले इसके लिए अनार का जूस बनाएंगे, तब चिया ब्लू को बुलाते चिया वीरू आ जाओ जल्दी से अनार का जूस बन गया। ये देखो देखो इनकी लुक देखो, इनके घर में बैग वैग हैंग करके चल रही है, देखना इनका दिखाना अपना बैग दिखाना, देखो नीचे वैली ऊपर बैग, मैडम बन के घर में ही घूम रही है, ये वैली नहीं है, हील वाली सैंडल है। अच्छा वैली नहीं है, हील वाली सैंडल है, देखो मुझे करेक्ट कर रही है, वैली नहीं है हील वाली सैंडल है, अब ये मुझे सिखाने लग गई है। चलो पहले लड्डू भैया को पिला दे, मम्मा वो तो स्ट्रॉ दे दो कैसे पी पाऊंगी, स्ट्रॉ दे दो कैसे पी पाओगे, अभी दे देती हूँ, पहले भाई को पिला ले फिर आपको भी दे देती हूँ, ठीक प्यारे भाई को पिला दू वैली। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं चिया वीरू के लिए बना रही हूँ मुरमुरे, इसके अंदर मैंने डाली है थोड़ी सी हल्दी और काली मिर्च पाउडर और काला नमक और थोड़ा सा अमचूर डाला है और कुछ नहीं डाला है। अगर आप चाहो तो अगर आप लोग बनाते हो तो इसमें थोड़ा सा वो ऐड कर सकते हो लाल मिर्च, बाकी मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला है, बस अब ये हो गए, इसको बंद करेंगे और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं। थोड़ा सा घी डाल के मैंने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है, ये देखो दोनों पीछे ही बैठी है मेरे, क्या हो गया? वन बन गया, कोई बात नहीं मम्मा क्लीन कर देगी, आप दूसरा बनाओ जब तक, वीरू आप भी बनाओ, बिल्कुल नहीं बना रहे हो आप, बनाओ जल्दी, हाँ उसको मत सिखाओ अपना करो। आज इन दोनों को मैंने ना अभी यहाँ मेरे पीछे ही बैठाया स्टडी करने के लिए, अभी बस हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी का सीन ये है, चिया वीरू को हम आज लेके आए साइकिल चलवाने के लिए इतने दिनों बाद में, अब मैंने पहले वॉक करी फिर ये आई और दोनों अपने पापा के साथ में, देखो मुझे कितनी स्वेटिंग हो रही है, देखो कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, अब इन दोनों के साथ और आधा घंटा साइकिल चलाएंगे तो और ज़्यादा थोड़ा सा वर्कआउट हो जाएगा। और आज ये अच्छे से चला रही है, इतनी मेहनत हमको नहीं करनी पड़ रही, बस साथ साथ में चलना पड़ रहा है इनके।